हेलो दोस्तों, रूपीज किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पालक पनीर बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन में 2 कप पानी लेंगे, उसमें हम पालक उबालेंगे। हमें पालक को काटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको पूरा पूरा उबाल सकते हैं। इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। प्याज, इसे 5 मिनट तक पकने दें। पकने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें पिसा हुआ टमाटर डालेंगे। अब हम मसाले ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, गरम मसाला, हल्दी और नमक। सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर मसाले पकने के बाद हम पालक पेस्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ी देर पालक पकने के बाद हम पनीर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक पनीर तैयार है। आप चाहें तो इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें क्रीम ऐड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल रूपीज़ किचन।